भगवते
चक्षुरून मिलितं ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिये निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वै श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के श्री चरण कमलों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी जिन्होंने पूरे विश्व में चेतन महाप्रभु के इस मिशन को कृष्ण भावनामृत संघ को कृष्ण चेतना को जन जन के हृदय तक पहुंचाने का जिन्होंने सुंदर प्रयास और सफलता हासिल की ऐसे श्री प्रभुपाद जी के श्री चरण कमलों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी उपस्थित भगवत कथा अनुरागी वैष्णव भक्त एवं भक्तिमती वैष्णवी माताओं के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए दया और कृपा की याचना करते हुए भागवत वाणी श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 14 के बारे में कुछ कहने सुनने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर क्यों कर रहे हैं? ततः श्वेत हये युक्ते महति स्यनन्दने स्थितो
माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंख्यो प्रदद्मतु ततः श्वेत हयेर्युक्ते महतीश्यनन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्वतु ततः श्वेत हयेर्युक्ते महतीश्यनन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्ख्यो प्रदद्वतु बोलिए ततः श्वेत हयेर्युक्ते महतीश्यनन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्वतु महतीश्यनन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव ततः श्वेते हये युक्ते महतीश्यनन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु ततः श्वेत हयेर्युक्ते महतीश्यनन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु ततः श्वेत हयेर्युक्ते महतीश्यनन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु ततः श्वेते हयेर्युक्ते महतीश्यनन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु ततः तत्पश्चात् स्वीते स्वीत है वोड़ों से युक्ते युक्त महति विशाल स्यनंदन रथ में स्थित आसीन माधव कृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडव अर्जुन पांडव पुत्र ने च तथा एव निश्चय ही दिव्यो दिव्य
शंखो शंखो शंख शंख प्रदद्मतु बजाय। अनुवाद एवं तत्पर जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पर अनुवाद मत निकालिए, तत्पर ही रहने दीजिए, अब श्लोक रहने दीजिए, श्लोक कीजिए। ठीक, ततः तत्पश्चात, इसका मतलब इसके पीछे कुछ हुआ होगा ना। क्या त्रिप्रभु लग रहा है कि कुछ छपिया रही है क्या? ठीक है ना। ततः तत्पश्चात मैंने इसके पीछे क्या हुआ था, हम तो क्लास में नहीं आए थे, आप लोग बताइए। भीष्म पितामह अपना शंख बजाए किस कारण से? भीष्म पितामह के पास अगर पांडव और कौरव दोनों सेना भी एक तरफ मिल जाए, फिर भी भीष्म पितामह अकेले सामर्थ्यवान थे कि पूरे का कौरव और पांडव की सेना को परास्त कर सकते थे, लेकिन फिर भी देखे कि ये दुर्योधन जो है थोड़ा ये लगा रहा है पॉलिश, जब सारे सैनिकों को भाई अब आप लोग थोड़ा भीष्म पितामह को सुरक्षा प्रदान करो, है ना, लोग जैसे कहते हैं ना कि चापलूसी चटपुरता, तो भीष्म पितामह भी सोचे कि ठीक है अब ये कर रहा है तो इसके उत्साह को बढ़ाने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने अपने शंख को फूंका। वास्तव में भगवत गीता जो है हम लोग एक बार अध्ययन कर चुके हैं, और ये भगवत गीता सारे वैदिक ज्ञान का आधार है, मूल है, एसेंस है, और भगवत गीता को ठीक से समझ लेने पर आचार्य कहते हैं कि जैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन संशय में पड़े थे और भगवान के इस ज्ञान को सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया, नष्ट मोहो स्मृति लब्धवा, उसी प्रकार से हम अगर अर्जुन की तरह है इस भगवत गीता के मर्म को समझने और जानने का प्रयास करें और समझ जाएं तो हमारे अज्ञान मोह दूर हो सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना, किस प्रकार से धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय बताना प्रारंभ करते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की इस व्यूह रचना को देखा उस समय हालांकि कौरवों के पक्ष में कितनी अक्षौणी सेना थी? 11, और पांडवों की सेना में 7 कम थी, लेकिन आचार्य कहते हैं कि उस समय कौरवों के जो सेनापति थे कौन थे? भीष्म पितामह। अपनी सेना को सुसज्जित नहीं किए थे, व्यूह नहीं बनाए थे, और इससे पहले पांडवों ने अपने सेना कौन सेनापति थे?
धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ने अपनी छोटी सी सेना को एक सुंदर व्यूह के रूप में सजाया था और इस व्यूह रचना को जब दुर्योधन ने देखा तो डर गया और उसे लगा कि द्रोणाचार्य के पास जब गया तो बोलता है कि इस विशाल सेना को देखिए, मतलब कि एक प्रकार से कूटनीति में बहुत तीक्ष्ण था, तेज था। कुछ लोग किसी भी पब्लिक को अपनी बुद्धि से कन्विंस करके अपने पक्ष में कर लेते हैं। इतने माने इस सब कहाँ क्या बात करना है, कैसे किसको खुश करना है, कैसे किसकी चटकुरता करनी है, इस सब में इतने पटु होते हैं कि आचार्य कहते हैं कि वो अपने पक्ष में बहुत से लोगों को कर लेते हैं। तो इसमें दुर्योधन बहुत एक्सपर्ट था। तो एक प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला कि देखिए, आपको मारने के लिए धृष्टद्युम्न जन्म लिया था और आपने जानबूझकर उसे शस्त्र का, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, उसका रिजल्ट देख लीजिए। आप ही को मारने के लिए आपके विरुद्ध में इतनी सुंदर सेनापति का पद लेकर बनाया, चक्रव्यूह बनाया। आचार्य कहते हैं कि गुरु को उपदेश देना, गुरु को बताना, ये धृष्टता थी दुर्योधन की। लेकिन अब जैसे बुद्धि इस प्रकार से बताते हुए, सेना को दिखाते हुए, जितने भी पांडवों की सेना में थे, तीन श्लोक में, चार पांच छह, तीन श्लोक में सारे लोगों का नाम बता रहा है। और फिर तुरंत इसके मन में आया दुर्योधन के कि कहीं द्रोणाचार्य के मन में ऐसी भावना ना आ जाए कि हम लोग अपनी सेना का तारीफ करने के बजाय ये दूसरे ही सेना का तारीफ किए जा रहा है, तो फिर मतलब क्या है युद्ध करने का। चलो, जब वही लोग विशाल है, सब कुछ है, तो फिर युद्ध करने से क्या फायदा है। तो तुरंत कहता है कि हमारी भी सेना कोई कम नहीं है, जिसमें आप हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण है, भीष्म पितामह हैं, सबको संबोधन करके, और भी बहुत सारे ऐसे सूरवीर हैं जो कि मेरे लिए अपने प्राण को भी त्यागने के लिए तैयार है। इस प्रकार से कहकर भीष्म पितामह के लिए कौरवों को, सेना अपने सारे सिपाहियों को संबोधन करता है कि आप लोग भीष्म पितामह की चारों तरफ से व्यूह की तरफ खड़े हो जाइए ताकि भीष्म पितामह कोई मार न सके। और ऐसे शब्दों के द्वारा जब भीष्म पितामह सुने तो उन्होंने अपने शंख को बजा दिया, क्योंकि सेनापति थे। और जैसे ही भीष्म पितामह ने अपने शंख को बजाया तो उस समय कहते हैं तस्य संजयन हर्ष, ये बहुत उत्साहित हो गया, खुश हो गया, क्योंकि इसे लगा दुर्योधन को कि अब निश्चित तौर से जीत हमारी है, क्योंकि भीष्म पितामह शंख बजा दिए। तब पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गया कि पितामह शंख बजा दिए तो अब जीत किसी भी कीमत पर हमारी है। और इस प्रकार से जब भीष्म पितामह शंख बजाए तो सारे कौरव में जितने भी वाद्य थे, नगाड़े, कई एक नाम दिया गया है यहाँ पर, ततः शंकश्च भीर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसव अभयंत सह शब्द तुमुलो भवत, सब सारे कौरव बड़े ऊंचे स्वर में अपने अपने वाद्य को बजाने लगे। और इस प्रकार से जब एक पक्ष में शंख बजा, जब कौरव के सेनापति भीष्म पितामह और सारे कौरव जब शंख बजा लिए, उस समय अब पांडवों के पक्ष से
ततः श्वेत हये युक्ते महतीस्य नन्दने स्थिता माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। कहते हैं कि ततः श्वेत हयेर युक्ते, चार चार सफेद घोड़ों से युक्त श्वेत हये युक्ते, चार चार सफेद घोड़ों से युक्त महती श्यनंदने स्थित, बहुत विशाल रथ जो कि अग्निदेव के द्वारा पांडवों को प्रदान था, दिया गया था, ऐसे विशाल रथ पर खूब सुंदर अर्जुन और सारथी के रूप में कृष्ण विराजमान हैं। आगे सफेद चार घोड़े लगे हुए हैं, बहुत सुंदर रथ है, बहुत विशाल है। और माधव पांडवाश्चैव, माधव लक्ष्मीपति माने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख को बजाया। तो आचार्य यहां पर प्रश्न करते हैं कि सेनापति तो कृष्ण नहीं थे, सेनापति तो धृष्टद्युम्न थे, धृष्टद्युम्न को बजाना चाहिए था, है ना। लेकिन यहां पर माधव क्यों बजाए, वो भी एक ड्राइवर, वो भी एक सारथी, जब रथी बैठा हुआ है, सेनापति है, तो फिर यहां पर माधव क्यों शंख बजाए, बताइए कुछ। ये ड्राइवर का काम नहीं है कि पहले शंख बजा दे। और यहां पर करे कि माधव पांडवाश्चैव, माने माधव और अर्जुन, पांडव पुत्र अर्जुन शंख प्रदत्वतु, अपने अपने शंख बजाए। तो पहले माधव क्यों बजाए, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से कौरवों की सेना भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, उसी प्रकार से कृष्ण इस बात की घोषणा करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारी सेना भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, उसी प्रकार से पांडवों की सेना मेरे द्वारा रक्षित है। सेनापति नहीं होने के कारण भी मेरी अध्यक्षता में, मेरे आज्ञा के अनुसार, मेरे कंट्रोल में, मेरे अंडर में ये चीज, ये युद्ध हो रहा है। इसलिए माधव, माधव बजाए और पांडव, महाराज पांडु के पुत्र अर्जुन। और कहते हैं दिव्य शंख, जो शंख बजाए तो उस शंख की विशेषता दे रहे हैं कि दिव्य शंख बजाए। दिव्य, दिव्य मतलब कि कोई साधारण शंख नहीं, जिस शंख के स्पर्श मात्र से ध्रुव महाराज के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान स्फुरित हो गया। भगवान ने पांचजन्य शंख का स्पर्श कराया था, है ना। आचार्य कहते हैं कि पांचजन्य शंख कैसे प्राप्त हुआ था, समुद्र में युद्ध करते थे, किससे युद्ध किए थे, क्या नाम था, क्या नाम था, शंखाचूर्ण, उस ससुर का नाम था शंखाचूर्ण, और उसको मारने की नौबत कैसे आ गई, गुरु जी का क्या नाम था, संदीपनी मुनि। जब गुरु जी की आई पढ़ाई कर रहे थे, और जब पढ़ाई पूरी हो गई तो गुरु जी से बोले कि गुरु जी आप दक्षिणा मांगिए, तो गुरु जी ने अपने पुत्र को मांगा, तो ये गए समुद्र में और समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हो गए कि मैं अभी समुद्र को सुखा दूंगा। तो समुद्र देवता प्रकट हो गए और बोले कि मैंने आपके पुत्र को नहीं
उस असुर शंखाचूर्ण ने आपके पुत्र को ले गया है नीचे। तो फिर नीचे गए समुद्र में और शंखाचूर्ण से युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद उस शंख को लेकर आए और उनके पुत्र को लेकर आए, और फिर उस शंख को अपने गुरुजी संदीपनी मुनि को दे दिए। लेकिन संदीपनी मुनि ने पुनः उस शंख को माने कृष्ण को सुपुर्द कर दिए कि नहीं, उपहार के रूप में इसको मेरे द्वारा उपहार के रूप में आप स्वीकार करें। तो वही पांच जन्य संघ कृष्ण का संघ था। अगले श्लोक में बताएंगे, तात्पर्य हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भीष्म देव द्वारा बजाए गए संघ की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम एषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जयसो की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहां जहां भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी, इसके लिए इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में जहां कहीं भी आ जाएगा वहां विजय निश्चित है। सारांश क्या है इस श्लोक का? यत्र जोगेश्वर कृष्णा, यत्र जोगेश्वर कृष्णा, यत्र पार्थो धनुर्धर, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति, तत्र श्री विजयो भूति, ध्रुवानीति मतिर मम, ध्रुवानीति मतिर मम। ये भगवद गीता का एसेंस है, सार है। जहां भगवान का, जहां भगवान है, यत्र योगेश्वर कृष्णा, यत्र माने जहां जोगियों के भी जोगी परम जोगी श्री कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पर धनुर्धारी अर्जुन है, तत्र श्री, वहीं पर धन है, विजयो, वहीं पर विजय है, नीति, वहीं पर नीति है, और ध्रुवा, वहीं पर दृढ़ता है। मतलब कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हमारे साथ, आपके साथ अगर भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है, तो जीवन के हर क्षेत्र में श्री और विजय निश्चित है। और ये बात जब कृष्ण ने अपने शंख को बजाया उसी समय निश्चय हो गया कि जीत पांडवों की है। और कई एक जगह आचार्य कहते हैं कि पांडव धर्मात्मा थे, ये भी कारण था कि श्री और विजय, जहां धर्म है वही संभव है। दूसरा स्थान का प्रभाव, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तभी तो धृतराष्ट्र के मन में डाउट था ना कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, डाउट था। हालांकि अपने बल के ऊपर बल विश्वास था कि हमारे पक्ष में भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, कर्ण है, द्रोणाचार्य है, लेकिन इस बात का डर था कि कहीं भूमि के प्रभाव से, धर्म क्षेत्र के प्रभाव से
कहीं मुद्दत ही ना बदल जाए, कहीं कंप्रोमाइज ना हो जाए, समझौता ना हो जाए, इस चीज का भय था। तो ये सब जो चीज था कि भूमि का प्रभाव भी इस बात को स्थापित करता है, ये पांडव धर्म के आश्रय में थे, ये भी प्रमाणित करता था कि जीत पांडव की ही होने वाली थी। और सबसे बड़ी बात है कि धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ, एक तरफ भगवान की नारायणी सेना और दूसरी तरफ भगवान, और यही बात यहां पर लिख रहे हैं, जयस्तु पांडु पुत्राणा एसाम पक्षे जनार्दन, जिस पक्ष में जनार्दन है, विजय ऐसे ही लोगों की होती है। यहां श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जय सदा पांडु के पुत्र जयसो की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, और जहां जहां भगवान होते हैं लक्ष्मी जी भी वही होती है, क्योंकि बिना पति की पत्नी नहीं रहना चाहती। गोपिया इस बात को कहती है, जयति ते दीकम जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रही, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे कृष्ण, जब से आपका जन्म हुआ है इस ब्रज में, ये ब्रज जो है उत्कर्ष को प्राप्त कर रहा है, चारों तरफ जय 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 जय, चारों तरफ सब उत्कर्ष को प्राप्त हो रहे हैं, जयति ते धिकम, और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आचार्य कहते हैं कि कभी भी पॉकेट का पैसा खर्च खत्म नहीं हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज सस्व दत्र ही इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी। ऐसा लगता है कि आपके जन्म लेने से इस ब्रज के घर घर में लक्ष्मी जो है सदा सदा के लिए आकर बैठ गई, क्या हम यहां से कहीं जाने वाले नहीं है। सस्व दत्र सस्वत अत्र ही, निश्चित रूप से शाश्वत काल के लिए इंदिरा लक्ष्मी आकर बैठ गई। अब इस संसार के लोगों का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है, लक्ष्मी चाहिए है? लेकिन लक्ष्मी पति नहीं चाहिए। जबकि कितना सुंदर सिद्धांत है, गोपिया कहती है कि प्रभु जैसे आपका ब्रज में जन्म हुआ, लक्ष्मी शाश्वत काल के लिए ब्रज में आ गई, रह गई, टिक गई। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जहां पर भगवान का नाम, सुबह के क्लास में आप लोग सुने होंगे कि भगवान के नाम में, भगवान के रूप में नाम चिंता मणि कृष्ण श्री चैतन्य रस विग्रह है ना, नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिनतवा नाम नाम कृष्ण में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण के रूप में, कृष्ण के लीला में कोई डिफरेंट नहीं है। कहिए किस लोग प्रभु जी ग्रुप पे भेजे थे, कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्ण न स्वरूप सम सब चिदानंद, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नाही तीन चिदानंद रूप, तो कोई डिफरेंट नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो यहां पर इस सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं इस श्लोक में कि जब कृष्ण ने अपने शंख को, दिव्य शंख को, जो कि बजते ही इस बात का ऐलान कर दिया कि जीत तो पांडव के ही पक्ष में है, क्योंकि कई कढ़ार है, पांडव धर्मात्मा है जिसके पक्ष में धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण है। अब प्रथम श्लोक के टीका में हम लोग सुने थे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का,
कि जैसे खेत में जो घास फूस उग जाते हैं तो जो कृषक, जो बुद्धिमान कृषक होता है, ऐसे खर पतवार को उखाड़कर फेंक देता है, ऐसे ही इस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में ये जो पूर्व वंश कौरव थे ये उस अवांछित पौधे की तरह थे, इसलिए इनका समूल नाश तो होना निश्चित ही था। तो ये भी प्रमाणित करता है कि नहीं, जीत तो पांडव की ही है। तो इस प्रकार से हमें जो जानने वाली इस श्लोक में बात है कि जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है, उसके जीवन में सदा ही मंगल होता है, इस लोक में और परलोक में दोनों जगह, क्योंकि भगवान का नाम कभी भी अमंगल कर ही नहीं सकता। और अगले श्लोक में कहते हैं कि थोड़ा आज हम लोग कीर्तन कर लेते हैं, मनु महाराज जी आए हैं इसलिए हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं 15 मिनट, ठीक है ना प्रभु? थोड़ा सा एक तो भजन कीर्तन का आनंद ले लिया जाए, ठीक है? हरे कृष्ण। इसलिए कि रोज रोज तो कथा सुनते हैं, आज मनु महाराज जी आए हैं तो थोड़ा एक मुखारविन से इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से आगे आप सुनेंगे इसी अध्याय में कि जब अर्जुन ने इस संघ को बजाए, अर्जुन बजाए, कृष्ण बजाए, भीम बजाए, नकुल और सहदेव बजाए, संघ का नाम याद है? कृष्ण का संघ का नाम था पांचजन्य, अर्जुन के संघ का नाम था देवदत्त, भीम के संघ का नाम था पौंड्रम, और नकुल और सहदेव के संघ का नाम था मणिपुष्प और सुघोष। मणिपुष्प के संघ नकुल और सहदेव में वो श्लोक पहले मणिपुष्प सुघोष था ना, पहले तो नकुल, नकुल का था मणिपुष्प। तो पांचों जब शंख बजा तो शंख की ध्वनि से ही कौरव पक्ष का हृदय जो था विदृढ़ हो गया, मतलब निरुत्साहित हो गए, हार गए, जो हार गया सो मर गया वहीं पर। इसलिए दिव्य दिव्य शंख प्रदद मत, संघ के विषय में दिव्यता, दिव्य संघ, जिस संघ के स्पर्श मात्र से चारों वेदों का ज्ञान ध्रुव के हृदय में स्फुरित हो गया, ठीक है? हरे कृष्णा। माइक लगे प्रभु कहाँ गए? तो आज हमारे बीच मनु महाराज जी उपस्थित हैं और इनके साथ में एक और भक्त हमारे बीच आए हुए हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का अपने इस कॉर्नामर सेंटर में हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुलभूषण प्रभु जी की तरफ से आज का मीठा प्रसाद है, प्रभु जी का भी हम हरी बोल बोल कर आवाहन करेंगे। मतलब मैक्सिमम 45 तक जा सकते हैं, तो पहले भी हो सकते हैं मैक्सिमम। थोड़ा सा हम लोग रस्ता साधन करें, बहुत कीर्तन भजन दोनों चीज़ें। अरे